इंडियन आइडल सीजन 12 के मंच पर इस वीकेंड उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य गेस्ट बनकर पहुंचे और इस एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स ने उदित जी और अभिजीत दा के साथ स्टेज शेयर किया। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में सिंगर सोहाई भाट से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। और इस बार सोहाई ने कुछ ऐसा किया कि अपना गाना गाने का अंदाज ही बदल डाला और हो सकता है कि यह सोहाई की कोई रणनीति हो, क्योंकि शुरू की इस महासंग्राम में सोहाई को बाकी कंटेस्टेंट से कड़ी टक्कर मिल रही है और पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल और मोहम्मद दानी जैसे कंटेस्टेंट को पछाड़ने के लिए सोहाई ने गाना गाने का अंदाज बदला हो। बता दें कि शो के इस खास एपिसोड में सिंगर सोहाई भाट उदित नारायण जी के साथ गदर फिल्म का ऊर्जा काले कौवा गाना गाया और दोस्तों सोहाई अपनी इस परफॉर्मेंस में एकदम बदले बदले से नजर आई। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने की इस बार सिंगर सोहाई भाट बिना हारमोनियम के परफॉर्म करते नजर आई और दोस्तों ये शायद पहली बार है जब सोहाई भाट ने बिना किसी वाद्य यंत्र के परफॉर्म किया। वे हर बार ढोलक या हारमोनियम के साथ ही गाना गाते हैं। अब देखना है कि सोहाई का यह गाने गाने का बदला बदला अंदाज उन्हें कहां तक लेकर जाता है। क्या सोहाई इस बार पवनदीप राजन को पछाड़ पाएंगे या नहीं? क्या सोहाई इस सीजन के विनर बन पाएंगे या नहीं? जी हाँ, वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने जवाब कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।